गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। स्टूडेंट्स, आज अपन अपने साइंस से फिफ्थ चैप्टर कोला एते पेट्रोलियम दे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करांगे। की तुसी तैयार हो? यस मैम। सो स्टूडेंट्स, अपना कोला एते पेट्रोलियम पार्ट दा पहला क्वेश्चन है सीएनजी अते एलपीजी दी बालन दे रूप विच वरतों करन दे की लाभ हन। सो स्टूडेंट्स, अपा लाभ पढ़न तो पहला सीएनजी अते एलपीजी दी फुल फॉर्म बारे जानांगे। की तुहानू पता है कि सीएनजी अते एलपीजी दी फुल फॉर्म की है? यस मैम। मैम, सीएनजी दी फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है अते असी इसनू पंजाबी विच नपीड़त कुदरती गैस कहंदे हां। वेरी गुड बच्चे, हुन पूरब दसेगा कि एलपीजी दी फुल फॉर्म की हुंदी है। मैम, एलपीजी दी फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस हुंदी है अते इसनू पंजाबी विच द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहंदे हन। वेरी गुड स्टूडेंट्स, हुण आपां सीएनजी अते एलपीजी दे बालण दे रूप विच वरतों करन दे लाभ बारे जाणांगे। सो पहला पूरब दसेगा कि सीएनजी दा बालण दे रूप विच वरतों करन दे की लाभ हन। यस मैम। मैम, सीएनजी एक धुआं रहित बालन है। ये एक शुद्ध बालन है। ये जहरीली गैसां पैदा नहीं करता है अते हवा प्रदूषण भी नहीं फैलाउंदा है। वेरी गुड बच्चे, हुण मनप्रीत दसेगी कि एलपीजी गैस दे बालन दे रूप विच वरतों करन दे की लाभ हन। यस मैम। मैम, एलपीजी दा कैलोरी मान वध हुंदा है। ए एक साफ सुथरा घरेलू बालन है। ए जहरीली गैसां पैदा नहीं करदा है। एलपीजी दी संभाल अते रखरखाव करना भी सौखा हुंदा है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, हुण आपां नूं सीएनजी अते एलपीजी दी बालन दे रूप विच वरतों करन दे लाभ बारे पता लग गया है। हुण आपां अपने सेकंड क्वेश्चन नूं पढ़दे हां। यस मैम। हां जी बच्चे, अपना सेकंड क्वेश्चन है पेट्रोलियम दी किहड़ी उपज सड़क निर्माण लई वरतों विच लियाई जांदी है? की तुहानू पता है इसका उत्तर की है? मैम, इसका उत्तर बिटुमिन है। वेरी गुड मनप्रीत। बच्चे, हुण आपां अपने पार्ट दे तीजे क्वेश्चन बारे डिस्कस करांगे। सो तीजा क्वेश्चन है, वर्णन करो मृत वनस्पति तो कोला किस तरह बनता है। ए परिक्रम की अखवांदा है? सो बच्चे, हुण मैं तुहानू दसांगी कि मृत वनस्पति तो कोला किस तरह बनिया। बच्चे, कहा जाता है कि कोला उन्हां रुखां दे विघटन तो बनिया है जो अज तो करोड़ां साल पहला धरती दे अंदर दबे गए सन। अजिहा विचार है कि करोड़ां साल पहला भूचाल अते ज्वालामुखी आदि दे कारण रुख धरती दी सतह हेठां दब गए अते मिट्टी अते रेत नाल ढक गए। धरती दे अंदर उच्च दाब अते उच्च ताप अते हवा दी गैर मौजूदगी विच ये दबे हुए रुख हौली हौली कोले विच बदल गए। रुखां दी लकड़ी तो कोला बनने विच करोड़ां साल दा समा लग गया। कोला बनन दे परिक्रम नूं असी कारबीकरण कहंदे हां। बच्चे, की तुहानू पता लग गया है कि मृत बनस्पति तो कोला
किस तरह बनिया? यस मैम। सो स्टूडेंट्स, हुण असी अपने पाठ के अगले प्रश्न बारे डिस्कस करांगी। सो बच्चे, अपने पाठ का अगला क्वेश्चन है, समझाओ फसल बालन खत्म होने वाले प्राकृतिक साधन क्यों हैं? बच्चे, जिमें कि आपां पता ही है कि फसल बालन संजीवां ते मृत अवशेषां तो बनते हैं, इन्हां नूं बनन विच करोड़ां साल लग जाते हैं। कुदरत विच फसल बालन दे साधन सीमित हैं, इस करके ये छेती समाप्त होने वाले फसल बालन हैं। प्यारे बच्चियों, की तुहानू ये क्वेश्चन समझ विच आ गया है? यस मैम। सो बच्चे, अपने पाठ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक दे गुण अते वरतों का वर्णन करो। तुसी मैनू एक एक करके कोक दे गुण दसोंगे अते उस तो बाद उसकी वरतों बारे दसोंगे। मैम, मैं पहला कोक दे गुण बारे दसांगी। कोक कठोर हुंदा है, कोक मसामदार हुंदा है, ये काले रंग दा हुंदा है, अते ये बिजली अते ताप दा कुचालक हुंदा है। वेरी गुड मनप्रीत। बच्चे, की तुहानू पता है कि बिजली अते ताप दा कुचालक असी किसनू कहंदे हाँ? यस मैम, असी बिजली अते ताप दा कुचालक उसनू कहंदे हाँ जिस दे विच बिजली अते ताप नहीं निकल सकदे। वेरी गुड बच्चे, हुण पूरब कोक दी वरतों बारे दसेगा। मैम, कोक बुनाटे ग्रेफाइट बनाण दे काम आउंदा है। कोक पानी गैस अते उत्पादन गैस दे उत्पादन विच भी सहायक हुंदा है। ए कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, टिन अते कच्चियां धातां विचों निष्करण दे काम आउंदा है। ए वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड अते हाइड्रोजन दा समान अनुपाती मिश्रण है। कोक एसिटिलीन गैस बनाउण लई कैल्शियम कार्बाइड दे उत्पादन विच वी सहायक है। वेरी गुड पूरब, तुसी बहुत ही वधिया तरीके दे नाल कोक दी वरतों बारे दसिया। सो हुण बच्चे, सानू पता लग गया है कि कोक दे गुण की हन अते इस दी वरतों कित्थे हुंदी है। सो बच्चे, आपां हुण अपने पाठ दे नेक्स्ट क्वेश्चन बारे पढ़ांगे। बच्चे, अपने पाठ दा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्माण दे प्रक्रम नू समझाओ। सो प्यारे बच्चियो, हुण मैं तुहानू पेट्रोलियम दे निर्माण बारे समझावांगी। बच्चे, कहा जाता है कि पेट्रोलियम समुद्र विच रहन वाले सूखम जीवाणुआं दी सहायता नाल बनता है। मरण तो बाद ये जीव समुद्र दे तल तक पहुँच जाते हैं अते हौली हौली रेत अते मिट्टी नाल ढक जाते हैं। करोड़ों सालों बाद दाब उत्प्रेरक क्रिया अते गर्मी दे कारण हाइड्रोकार्बन विच बदल जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन हल्के होण दे कारण मुसामदार चट्टानां विचों रिस के धरती दी सतह वल चले जाते हैं। जदों तक अपारगामी चट्टानां इन्हां नूं रोक नहीं लैंदियां, इस तरह इन्हां अपारगामी चट्टानां दे विच तेल दे खूह बन जाते हैं। प्राकृतिक गैस तेल दे उपर मिलती है। सो प्यारे बच्चियों, इस तरह पेट्रोलियम दा निर्माण हुंदा है। बच्चियों, तुहानू हुण समझ आ गया होवेगा कि पेट्रोल किस तरह बनता है। यस मैम, सानू समझ विच आ गया है कि पेट्रोलियम दा निर्माण किस तरह हुंदा है।
ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਹਨ। ਮੈਮ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੂਰਬ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਡੈਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਸਦਾਈ ਕਰਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਬਲੈਂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਲਣ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਮੈਮ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਲਣ CNG ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਨ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। Yes, ma'am. ਸੋ ਬੱਚੇ, ਫਸਟ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਮ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ। ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ CNG ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਮੈਮ, ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। CNG ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੂਰਵ। ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਮ, ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ, ਕੋਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ। ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕਥਨ ਹੈ, ਕੋਲ ਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਮ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਮ, ਇਹ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਫਾਸਿਲ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚੋ। ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਗਲਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। Yes, yes, ma'am. ਮੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ।